और हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर सरकार का नया बयान, हिंदू राष्ट्र से जाति धर्म का भेद हटेगा। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान सामने आया, देश को बंटने से रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी, मेरे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। हमारा किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब हम ये पंथ की लड़ाई बंद करना चाह रहे हैं। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे इस देश में, कब तक जातिवाद पर मारोगे और गालियां बकोगे? हम हिंदू राष्ट्र से ये मैटर ही खत्म करवाना चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, सामाजिक समरसता हो, सभी पंथ यहाँ पर रहे। बागेश्वर सरकार ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कोई रोक नहीं सकता। अब बना करके भारतीय हिंदुओं को बताना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करके बताना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। अब तो हम इसी उद्देश्य पर आ गए हैं कि हम कुछ करके बताएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने आलोचकों को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। हाथी चले बाजार, दूसरी बात उसका जवाब ये है, इंटरनेशनल साजिशें हैं। तीसरी बात, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। चौथी बात, हम गीदड़ नहीं है जो भक्तियों से डर जाए।